मैं यदूनी अल्लाह कौन है जो मुझे मुझसे दुआ करे मैं उसकी दुआ कबूल करूँ मैं यस अलुनी कौन है जो मुझे मुझसे सवाल करे मैं उसको अता कर दूँ चाहे वो दुनिया हो या आख़िरत हो मैं यस तखफ़िरुनी अल्लाह कौन है जो मुझसे तोबा करे और अपने गुनाहों की बख्शिश मांगे गुनाहों में डूबा पाए मैं उसको माफ़ कर दूँ अल्लाह तला जिस चीज़ की ज़मानत ले लेते हैं ना اس کو جو تنگ کرے یا اس کو جو نقصان پہنچائے تو اللہ تعالی اس کو تلاش کریں گے یعنی مینز کہ اس کو برباد کر دیں گے بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلو عقدۃ من لسانی يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه

शो समिंग टू यू गाइज जो कि वाई सी शॉप का एक बड़ा अमेजिंग प्रोडक्ट है एंड दिस इज इट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री का यूथ क्लब का प्लानर अलहद ला और मैं एंड में इनशाला इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाऊँगा इसमें क्या है सो टुडेज टॉपिक इज डेली रूटीनज में देर आर सम्पेशल मोमेंट्स जिनका हम बेनिफिट उठा सकते हैं वॉट आर दोज स्पेशल मोमेंट्स मैं भी रिसेंट ट्रिप पे गया था मक्का और मदीना वहाँ सिंस डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी एक इंसान फोकस्ड होके वहाँ पे गया होता है तो सुबह उस जगह पे इंसान को उन स्पेशल मोमेंट्स की रियलाइजेशन होती है और फिर हैरानगी भी होती है कि जब हम अपने डेली रूटीनस में अपने कंट्री अपने सिटी में होते हैं वाई कैंट वी टेक बेनिफिट ऑफ दो स्पेशल मोमेंट्स इन आर डेली रूटीनस जो कि हमारी दुनिया भी बेहतर कर दे हम जो चाहते हैं हमें वो नसीब हो जाए और हमारी आखिरत भी बेहतर कर दें सो अपरचुनिटीज़ दैट आर प्रजेंट इन एवरी सिंगल डे जिसका हम बेनिफिट उठा सकते हैं और उन अपरचुनिटीज़ का बेनिफिट उन लोगों ने उठाया दोज़ हुर द बेस्ट ऑफ ह्यूम एंड दे यूज़ टू फॉलो एट द पीपल ऑफ मदीना और उनमें से एक स्पेशल मोमेंट वो है जो तकरीब सारा मदीना उसको उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ किया करता था अगर हम क्रोनोलॉजिकली बात करें सुबह से ले कर रात तक तो वो वो टाइम है कि जब अबू रहम अल्लाह कहते हैं कि फजर से पहले का जो टाइम था मदीना में पूरे पूरे मदीना में हर घर से क़ुरान की आवाज़ आ रही होती थी सम वर्डी एंड रिसाइटिंग क़ुरान इन द हाउस और कुछ भी हमें चाहिए होता था तो हम रात को लास्ट हिस्से में भी जाके किसी से कुछ चीज़ ले लिया करते थे क्यों बिकॉज वी न्यू कि एवरीबडी इज़ अवेक एट दिस लास्ट पार्ट ऑफ द नाइट अल्लाह और साहबा तो ये भी कहते हैं कि हम अपने कंपेनियंस में से किसी को नहीं जानते जो इस हिस्से में से कुछ ना कुछ अखज ना करता हो लेता ना हो ताउस अब्दुल सब मिलकिसानलियामानी बड़ बड़े बड़े, बड़े ताबई हैं कहते हैं कि आई डोंट रिम्बर सींग एनी वन स्लीपिंग इन द लेटर पार्ट ऑफ द नाइट इन मदीना हम लोग बड़ी मदीना की रियासत की बात करते हैं जस्ट इमेजन अल्लाह ताली हमें खिलाफत दे दे इस कायनात पे तो हम तो वो लोग हैं जो कि हसद और बोगस पालने वाले हैं हम तो वो लोग हैं जो दुनिया की लालच इख्तियार करने वाले हैं हम उस खिलाफत करेंगे क्या और हम कैसे इसको दीन पे दीन का नाफिस करेंगे और दीन पे अमल करेंगे जब हमारे हालात इतने ख़राब हैं اللہ تعالی قران میں فرماتے ہیں بعد اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم ان المتقین فی جنات وعيون آخزين آخذین ما آتاهم هم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنین بشكل متقیز ہوں گے نا وہ اللہ کی ہیونز میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے اللہ تعالی جو ان کو عطا کرے گا وہ اس کو لے رہے ہوں گے कानू हम खानबाई के महसिन इससे पहले वो महसिन थे यानी मोहसिन कौन होता है जो एक्सीलेंस के दर्जे को अख्तियार करता है जो सिर्फ़ फ़र्ज़ पर नहीं रहता बल्कि नेक्स्ट स्टेज पर जाता है वो फ़रइज़ के अलावा सुन्नत नवाफल और स्पेशली कैमुल्लील को अख्तियार किया करते थे और इसी की अगली आयत में अल्लाह तह देते हैं वह कानू कलील मिनलीन और वो रात को बड़ा थोड़ा हिस्सा सोया करते थे और अक्सर हिस्सा जागा करते थे और बिलआसार और वह शहरी के टाइम पे यानी फजर से पहले के टाइम पे तोबा किया करते थे और अगर किसी ने जन्नतियों की क्वालिटी पढ़नी है ना जिस चीज़ ने जन्नतियों आ, को डिफरेंशिएट किया नॉर्मल ह्यूमन बींग से वो यही है कानू कलील अमिन जाउन कि वो रात को बड़ा थोया थोड़ा सोते थे और हम लोग इमेजिन हमारा क्या हाल है इमाम हासन वसीमल्ला अहनब बिन कैस से बयान करते हैं कि वो कहते हैं कि जब मैं जन्नती की क्वालिटीज़ पढ़ता हूँ तो मैं अपना अमन शुमार नहीं करता क्यों क्योंकि वो तो बहुत रात को थोड़ा सोया करते थे वो तो बहुत ज़्यादा एक्सर्ट करते थे इबादत में वो तो अपना सब कुछ कुर्बान कर देने वाले थे और जब मैं जहनमियों की क्वालिटी को रीड करता हूँ तो वो तो अल्लाह उसके नबी का इनकार करने वाले थे क्यामत के दिन का इनकार करने वाले थे बाफ़ बादल मौत यानी उठाए जाने का इनकार करते थे तो मैं अपने आप को दोनों में नहीं पाता तो जब मैंने क़ुरान खोल के देखा तो मैंने अपने आप को ना इस आयत में पाया ख़लत आम सन व आखरा सयाह कि उनके उन्होंने अपने नेक आमाल गुनाहों के साथ मिक्स किया हुआ था कभी वो नेकी करते थे कभी वो गुनाह करते थे तो फिर बिन अबिनज़ कहते हैं कि ए लोगों अपने आप को उन लोगों में से बनाओ जो कम अज़ कम जो ऊपर वाली बाउंड्री है जो नेक लोग हैं उनकी बाउंड्री में तो आ जाए कम अज कम उनकी जरिस्ट्रिक्शन में उनकी कम अज़ कम उनके साथ में तो आ जाए बेशक उन जैसा ना बने लेकिन करीब करीब तो होना उनके साथ रसोल्ला वसम ने फरमाया अकरब माँ या कून वब रबिन सुबहन ताल से करीब अपने बंदे कब होते हैं फि फिल आख़र रात के आखिरी हिस्से में जो वन जो लास्ट थर्ड थर्ड ऑफ द नाइट है फाइनसूना मन अदा करो ला अगर तुम्हें हो सकता है कि तुम्हारे दिन इस है कि तुम उठ के अल्लाह का जिक्र करो फिर तिल का सा आती फ़कुंड तो फिर उन सात में उन मोमेंट्स को कभी मिस ना करो क्योंकि ये ते अल्लाह के करीब होने का बायस है तो उन इन मोमेंट्स को इन स्पेशल मोमेंट्स को हम लोग कितना मिस करते हैं अबू मम बाहली ने सवाल रब्लान्ह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि यह रसोल्ला वसलम कौन सी दुआ सबसे बेहतरीन है कौन सी दुआ वो है जो कि लसोल्ला अस्मा या रसोल्ला कौन सी दुआ है जो सुनी जाती है यानी अस्मा अल्लाह तो हर चीज़ सुनते हैं यहाँ आसमा से मुराद है जो कबूल की जाती है तो आपने फरमाया खला जौिर वमतूबात रात के जो आखिरी हिस्से में जो दुआ की जाती है ना वो सुनी जाती है और वो कबूल की जाती है और नमाज की जो आखिर में दुआ की जाती है वो भी कबूल की जाती है दूसरे पोर्शन में हम बाद में बात करेंगे लेकिन पहली बात रात का जो आखिरी हिस्सा है कितना स्पेशल है हमारी ज़िंदगियों का और मैं और आप इस मोमेंट को कि कितना वेस्ट कर रहे हैं अल्लाह सुबहान हर रात के तीसरे हिस्से में अल्लाह सुबहान जिस तरह उसके शान के लायक है आसमान दुनिया पर तशरीफ़ लेके आते हैं मेरे और आपके लिए और ऐलान करते हैं मैं यदूनी फ जीबल कौन है जो मुझे मुझसे दुआ करे मैं उसकी दुआ कबूल करूँ अल्लाह अकबर हमें से कौन शख्स है जो इन अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ कर लें मैं यस अलुनी फ़आती कौन है जो मुझे मुझसे सवाल करे मैं उसको अता कर दूँ चाहे वो दुनिया हो या आखिरत हो मैं यस तखफ़िरुनी कौन है जो मुझसे तोबा करे और अपने गुनाहों की बख्शिश मांगे वो गुनाहों में डूबा हुआ है मैं उसको माफ़ कर दूँ सही बुखारी की डबल वन फोर फ़ाइव और सही मुस्लिम की सेवन फाइव एट नंबर हदीस है हमें से कौन से जो इन मोमेंट्स को वेट करेगा एंड सुलफ्याला आज कल का जो टाइम है विंटर्स इट्स ईजियर इमाम फैसल बसरी कहते हैं कि जो सर्दियाँ हैं ये तो मुसलमानों के दिन हैं कि जिसमें रोज़ा रखना आसान और काम करना भी आसान होता है लंबी रातें इंसान रात को आठ बजे सो जाए नौ बजे सो जाए शाकिर नमाज पढ़ के सो जाए और उसकी आँख नींद पूरी हो जाती है और वो रात को उठ के अल्लाह की इबादत कर सकता है सो एज़ कम्पेयर टू समर्स इट्स ईजियर और समर्स में देखें अल्लाह कभी कभी साढ़े तीन बजे पौने चार बजे फजर की जमात खड़ी हो जाती है और आजकल छः दस में फजर की जमात हो रही है या साढ़े छः बजे फजर की जमात हो रही है तो so, हम देखें कि हमारे पास कितना टाइम है जब हम सर जब हम गर्मियों में लेट सो के सुबह फजर पे उठ सकते हैं तो हम सर्दियों में जल्दी सो के हजत के लिए क्यों नहीं उठ सकते इट्स ऑल अबाउट द माइंड सेट इट्स ऑल अबाउट द प्लानिंग इफ यू फेल टू प्लान वो प्लान टू फेल सो द ट्रिक इज़ टू स्लीप अर्ली रात को जल्दी सोना और जो शख्स अभी तक नहीं शुरू कर पाया उसको चाहिए कि वो कम अज़ कम दो रकत से ही शुरू करें सिर्फ दो रकत ही अदा कर लें काफी है उसके लिए वो बस पंद्रह मिनट पहले उठ जाए फजर की अजान से फिफ्टीन मिनट्स पहले और फजर की अजान यानी फजर का नमाज नमाज का टाइम दाखिल होने से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और उससे आप पंद्रह मिनट पहले उठ जाएँ उठ के वजू करें कम अज़ कम दो रकत और बेहतर ही पढ़ लें एंड देन वेन यू स्टार्ट ट्रेन इट यू विल फील इट्स लेस मैं तो मुझे तो दुआ का सही टाइम नहीं मिल रहा मुझे तो कुरान मजीद पढ़ना है एंड देन यू विल वॉन्ट मोर एंड मोर एंड मोर एंड फिर आपके लिए आधा घंटा और घंटा भी कम हो जाएगा और फिर आपके लिए दो घंटे और तीन घंटे भी कम हो जाएंगे एंड देन यू विल स्टार्ट लविंग इट और जो शख्स बहुत ट्राई करने के बाद इन वर्स्ट केस में बात कर रहा करूँ नहीं पढ़ पाया आज तक तो कम अज़ कम वो स्टार्ट तो इसे करे कि सोने से पहले इशा की नमाज के बाद कुछ रखते पढ़ लें जैसे अल्लाह के नबी वम ने हजरत अबू हुरैरा को तलकिन की थी कि तुम रात को सोने से पहले वितर पढ़ लिया करो तो अल्लाह के साहबा को तलकिन की और सुबहानल्ला आप देखें एक बेस्ट फ्रेंड जो अपने बेस्ट फ्रेंड को नसीहत कहते हैं ना बड़ी कमाल की होती है तो अल्लाह के नबी वसल्लम के बेस्ट फ्रेंड थे जी बिल्ली मलाइका में से तो उन्होंने फरमाया मोहम्मद शरफ़ालमिन ख़यामबिल ममिन का जो तो शर्फ है ना इज़्ज़त है ऑनर किस चीज़ में है क़्याम्लबिलयाम बिल रात के उठ में क्या करने में वाइज़ा हो इस नास और उसकी इज़्ज़त किस चीज़ में कि वो लोगों लोगों से बेपरवा हो और लोगों के बारे में फरमाते हैं अपने करीबी लोगों के बारे में तजाफ़ आ जुनूब हम अनमजाज आदून और खौफ़ आ उनके जो पहलू हैं ना वो बिस्तरों से अलग रहते हैं वह अपने आप को पकड़ते रहते हैं और जो शख्स हम से जन्त में जाना चाहता है सलामती के साथ वही काम करे अफशोसम वातम तोआम वसलम वसलबिल्लम सलाम को आम करो अपने रहमर रिश्तों को पूरा करो उनको नभाओ और लोगों को खाना खिलाओ और रात को नमाज पढ़ो जब लोग सो रहे हों तद खल जन्नत बसम सलाम, तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे और आप सल्हम फरमाया कि जो शख्स रात को दस आयात भी पढ़ लेता है ना क्याल में यानी सूर फलक और सूर नासी ग्यारह आयात हैं जो क्या क्याल में दस आयात पढ़ लेता है वो नेगलिजेंट काफ़िल लोगों में से निकाल दिया जाएगा और जो सौ पढ़ लेता है वो अल्लाह ताला के डिवर्ट वर्शिपर्स में लिख दिया जाएगा कि वो यानी आबिदीन है वो इबादत गुजार हैं और जो हज़ार आयात पढ़ते हैं वो मुकन्तरीन में से लिख दिया जाएगा यानी दो मुकन्तरीन मीनस के जो दो जो किंतार गैदर कर रहे होते हैं दो जूअर गैदरिंग किंतार। किंतार क्या है रेबल लैंगवेज में डिफरेंट रवायत आती हैं फोर थाउजेंड दिनार के गोल्ड कोइन्स किन्न तार बोलते हैं फैरानल्ला और कुछ लोग कहते हैं कि इट इज़ ह्यूज एंड अन अमाउंट ऑफ मनी और कुछ लोग कहते हैं कुछ मुसफ़्र कहते हैं कि अगर एक बुल की स्किन ले लें ना आप उसमें जितना गोल्ड आता है वो किन् है और सबरानी में एक हदीस आती है अल्लाह की मसन फरमाया कि वन किन तार खैरुम दुनिया व माफी हाँ वो इस दुनिया और इसमें जो कुछ है उससे बेहतर है तो जो हज़ार आयाती तिलावत कर लें सुफ़ान अल्लाह इब्न हजर फरमाते हैं कि सुरह मुल्क से सुर नाज तक हज़ार आयात बन जाती हैं बल्कि ऐसे ऊपरी जनजायद तो सफ़ैनला हमें इन अपॉरचुनिटीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए और याद रखें जिसने यूसुफ़ यूसफिलाी ख़ूबसूरती को नहीं देखा ना तो वो वो ख़ूबसूरती को मिस भी नहीं करता राइट और जिसने रात को उठ के रोने की लजत को नहीं देखा ना और क़ुरान पढ़ने की लजत को नहीं देखा वो ही के नॉट एक्सपीरियंस मिसिंग इट सो इस चीज़ को इस चीज़ को अवेल करें पहली चीज़ पहली टिप दूसरी जो दिन में अपॉर्चुनिटीज हमारे पास वो क्या क्या हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दो चीज़ें कभी रिफ्यूज़ नहीं की जाती इसनता मा तो टू थिंग्स आर नवर रिफ्यूजा इन नेदा पहली चीज़ आज़ान के वक्त दुआ करना अल्लाह वक् पर और दूसरी है जब बारिश हो रही हो मैं और आप हमारी जिंदगी में कम से कम पाँच टाइम तो आज़ान होती है ना और माशाल्लाह हम तो मुस्लिम मुल्क पर रहते हैं तो कितनी कितनी अजानें हो रही होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो जब आजान हो रही हो उस टाइम दुआ करना और मैं और आप कितने गफलत से उस दुआ उस आज़ान को सुन रहे होते हैं और ना तो उसका जवाब देते हैं और ना उस टाइम दुआ करते हैं ये सही जामे की ऑथेंटिक हदीस है थ्री जीरो सेवन एट मैं और आप हम क्यों दुआ नहीं करते उस टाइम अल्लाह के मैं तो रद्दान दो दुआएं ऐसी हैं जो रद्द नहीं की जाती एक अजान के टाइम पे फरमाया अजान के टाइम पे जो दुआ की जाती है वो रद्द नहीं की जाती एंड सुबहानल्ला चले फजर में अगर कोई इंसान सो रहा है अजान के टाइम पे और वो यू नो जन्नतों के बड़े दर्जात नहीं लेना चाहता तो कम अज़ कम जहर असर मगरबुल शाह की तो अजानों उनके उसके जागते पे हो रही होती है तो उसको चाहिए कि उस अजान वोने और इस टाइम दुआ करें अल्लाह ताली है हाँ अजान का जवाब भी दे और उसके बाद जो दुआ पढ़ना मसनून है अलम रबीदा अब तामा वो भी पढ़े लेकिन अजान के टाइम दुआ लाजमी करें वी शुड मिस दिस अपॉर्चुनिटी एंड हाउ नेगलीजेंट आर वी घर में बैठे हैं अज़ान साथ मस्जिद हो रही है अजान की आवाज़ आ रही है अल्लाह दुआए कबूल कर बट यू मिस दिस अपॉर्चुनिटीज़ ये डेली रूटीज हैं जो हमें इख्तियार करनी है अपनी ज़िंदगी में ये गोल्डन टिप्स हैं और उसके बाद सुफ़ी रसुल्ल फरमाया कि उसके बाद अगर यानी वो जो तुमने अगर मिस चलो कर ही दिए अ दुआ ला यद बैन वल्क़ाम वो दुआ जो अजान और अकामत बीच में की जाती है वो रद्द नहीं की जाती वो रद्द की ही नहीं जाती रसोल्लम सच्चे फरमा रहे हैं कलू साबन बुश रसोल्ला फमाद नकूल या रसोल्ला सल्ह् वसलम या रसोल्लाम फिर क्या करें क्या मांगें आपने सुमाया सल्ला आफ़िया फिर दुनिया वाले आखिर अल्लाह से आफ़ीत का सवाल करो दुनिया में भी और आख़िर में भी ये तिरमजेगी थ्री फाइव नाइन फोर नंबर हदीस है तो आफियत का सवाल करो और भी दुआ की जा सकती हैं मैं और आप अजान के बाद चिलिंग कर रहे हैं मोबाइल पे बैठे हैं यूज़ कर रहे हैं मोबाइल को आ, आराम से उठे लेट वज़ू किया और तकबीर उल्ला को मिस करके पहुँचे नमाज़ में ला इला जो शख्स मस्जिद में जाता है उसको चाहिए कि मस्जिद में जल्दी जाए और दुआएँ करें जो ख़ातून घर में बैठी है वो अज़ान के टाइम पे भी और अजान के बाद जब तक जमात नहीं हो रही दुआएँ करती रहे ये दुआओं की कबूलियत अवत्यात हैं और हम कितने आसानी से इनको ज़ाए कर देते हैं एंड वी आर मिसिंग आउट अपॉर्चुनिटी लाला सो गो मस्जिद अर्ली और सिस्टर्स के लिए मेक दुआन द हाउस और एक और अपॉर्चुनिटी उसके बाद जब हम नमाज़ शुरू करते हैं अल्लाह अकबर और हम जब सजदा करते हैं तो सजदे में हम अपनी सबसे खूबसूरत और अपनी जो माथा है जो ऑनरेबल चीज़ है जिसको हम झुकने नहीं देते लोगों के सामने हम अल्लाह के सामने ज़मीन पर लगा देते हैं और अल्लाह तला को ये चीज़ बहुत पसंद है अखरबुमा यकून लाब्दू मेरा बी वाजिद फ़िरुद दुआ सबसे महबूब चीज़ जो अपने रब़ को है वो क्या है जा या जब सबसे करीब इंसान अपने रब कब होता है जब वो सजदे की हालत में होता है तो अल्लाह की फरमाया फ़िर दुआ कसरत से दुआ करो और हम तीन दफ़ा पाँच दफ़ा सात दफ़ा आठ दफ़ा दस दफ़ा इवन और जितने दफ़ा पढ़ें लेकिन बस सुफीन और रबी आला पढ़ के उठ जाते हैं ऐसे ही मुस्लिम की फ़ोर ए टू नंबर हदीस है हमें चाहिए कि हम कसरत से दुआएँ करें चाहे वो कुरान दुआएं हैं या वो अदीस में आती हैं कुरान पढ़ने से मना किया गया लेकिन कुरन दुआएं हम कर सकते हैं शेख व समी रहा का फतवा है तो दुआ कर या कुलूब मुकल या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे अल्ला जितनी भी दुआएँ अरबी में इंसान मांगे तो कसरत से दुआएं मांगे और एक और हदीस अबू मवाबाली ने हदीर तन रसोल्ला पूछा रसुल कौन सी दुआ अल्लाह ताला सुनते हैं तो पहले हमने जिक्र कर लिया था जौर जो, जो रात के आखिरी हिस्से में की जाती है और दूसरा पार्ट व दुबर सलातकूबात एंड बाय द एंड ऑफ़ एवरी प्रेयर दुबर का लफ्ज़ जब भी आता है तो जब नमाज के बारे में आया है और दुआ के बारे में ख़ास तौर पर तो मैं मैं पूरे इस डिस्कशन को समराइज़ कर रहा हूँ और वो शेख वसमीन के फतवा से बता रहा हूँ कि जब भी दुबर सौलाद का जो टर्म यूज़ की गई है तो जब दुआ की बात हो रही है तो वो नमाज में सलाम फिरने से पहले की बात हो रही है और जब अजगार की बात हो रही है जैसे अल्लाह के नबी वसम ने अपने एक सहाबी रसूल को माज़ बिन जबल को फरमाया कि मैं तुमसे तो बड़ी मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे तो बड़ी मोहब्बत करता हूँ तो तुम फी दुब्र सलात यानी नमाज के आखिर में ये पढ़ा करो अल्ला आन नेक्री का व शख्री का बस नहीं इबादत एक अब चूंकि ये जिक्र है तो इससे मुराद नमाज के फ़ौर बाद और जब अल्लाह के नसलम दुआ की बात करें तो यानी नमाज से बिल्कुल सलाम फिरने से पहले यह शेख व ने इस पूरी डिस्कशन को समराइज़ किया राहल क्योंकि कुरान में भी आता है ना कि फ़ायदा कजई तुम्सला फ़क्र जब तुम नमाज़ ख़त्म कर लो तो अल्लाह तो का ज़िक्र करो जिक्र इज़ आफ्टर सलाह और बहुत सारे अस्कार में दुआएँ भी हैं डेफिनेटली ठीक है सो so, कहने का मतलब यह है कि द आयरनी एज एंड द एक जो अजीब बात है वो ये है कि हम जो तशहद में का आखिरी हिस्सा है उसमें हम बस एक दुआ पढ़ के सलाम फेर देते हैं वी आर मिसिंग लॉट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी रसूल सरमाया कि इस वक्त में जो तुम्हें दुआ पसंद आती है तुम वो करो आमतौर तो पर हमारे ट्रेंड बना हुआ है कि हम वो एक दुआ जो है रटी रिटाई रबी जली मुकी मसराती नौरीती ये कर सकते हैं लेकिन और भी तो मांगें अल्लाह के अभी फरमाया कि चार चीज़ों से पनाह मांगो कब्र के अजाब से मौत के अजाब यानी ज़िंदगी मौत के अजाब से जहन्नम के अजाब से और दाल की फितर से पनाह मांगो इस तरह की जितनी दुआएँ आप कर सकते हैं करें जो दुआ चाहते हैं आप सलाम फेरने से पहले करें और हमारे सब कॉन्टिनेंट में एक अजीब सी बात आयरनी ये है कि नमा सलाम पहने से पहले हम दुआ नहीं करते और सलाम फिरने के बाद इस्तेमाई सब लोग हाथ खड़े कर देते हैं जो कि सहबा कराम के दौर में नहीं हुआ करता था इज्ती दुआ हाथ खड़े खड़े कर रहे हैं। नहीं वो दुआएँ सलाम फिरने से पहले किया करते थे और सलाम फिरने के बाद अजकार जिनमें कुछ दुआएँ भी हैं अल्लाइन दिखरी के शिक्री के बाद बाज अल्लाकबरफ़र अफफ़ल असफ़रल ममिन के सलाम थे बारावत यादव और आयत कुर्सी और बाकी अज़ार दिस शुड बी डन बिफोर सलाम और दुआएं करें कसर से और उसके बाद देखिए अगर मैं आपसे सवाल पूछ लूँ कि नमाज के बाद नमाज के सलाम पहने के फ़ौर बाद दुआ करना अफजल है कुरान पढ़ना अफजल है या असकार करना अफजल है तो शायद आप इसे कहें यहाँ कुरान पढ़ना अफजल है शायद तो सही आंसर ये है कि असकार करना सबसे ज़्यादा अफजल है क्यों क्योंकि सुन्नत से सबित होते हैं नमाज के बाद असकार करना और जब अपने अजकार कर लिए उसके बाद बेशक आप दुआ करें या कुरान की तिलावत करें या जो मर्जी करना करें सो जो चीज़ से साबित है वो वो सबसे बेहतरीन और अफज़ल है तो हमें यही चाहिए कि हम ये काम करें एक और मॉर्निंग एक और मॉर्निंग हैबिट जो कि हमें करनी चाहिए और जो कि अपॉर्चुनिटी है अल्लाह ताला की म्मत में अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन में आने की वो ये कि नमाज़ फ़जर बाद जमा से पढ़ना और सलोली सल्ला वसमा के मनसलसुबह कि जिसने सुबह की फ़जर की नमाज़ पढ़ी जमात के साथ यानी फ़ो फ़िज़मत ला वह अल्लाह की जिम्मा है अल्लाह की प्रोटेक्शन में है फला फ़लायलूबन ना फ़िज़म्मत ही विश्रिक और कहा कि अल्लाह ताला जिस चीज़ की ज़मानत ले लेते हैं ना उसको जो तंग करे या उसको जो नुक़सान पहुँचाए तो अल्लाह ती उसको तलाश करेंगे यानी मीनस के उसको बर्बाद कर देंगे फ्बू फिनारी जहन्नम और फिर खुद जहन्नम की आग में डाल देंगे जो शख़्स फजर की नमाज़ बात पढ़ता है वो अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन में है और जो शख्स इंसान या शैतानों में से उसको डिस्टर्ब करना चाहे या उसको तकलीफ़ पहुँचाना चाहे तो अल्लाह ताला उसको नहीं छोड़ेंगे ना ही दुनिया में ना आखिरत में सही मुस्लिम की हदीस है सिक्स फाइव सेवन तो फजर की नमाज़ को बाज़त पढ़ना सीखें और नमाज के पढ़ने के बाद एक और डेली हैबिट के सेंग सुबहानल्लाब हमदी हंड्रेड टाइम्स मॉर्निंग एंड ईवनिंग में जो शख्स ये पढ़ लेता है हदीस में आता है कि क्यामत के दिन इस शख्स से बेहतर किसी और के अमाल नहीं होंगे अल्लाह अकबर सवै उस शख्स के जो इससे भी ज़्यादा पढ़ के आएगा अल्लाह सुबहानल्लाब हमदी समटाइम्स वी थिंक बस थिंको छोटे से अमाल है वही बिलिटल दीज एक्शन बट अल्लाह ये हशर के दिन होगा मालूम कि जीता कौन और हारा कौन और वो जो ये अमल करके आएगा कुछ क्विकली ऐसी हैबिट्स भी जो हमें अख्तियार करनी चाहिए विदाउट मैंशनिंग द डिटेल्स एंड इन दिस लेक्चर ऑन अ ब्रीफ़ नोट इनशा वो ये कि सोने से पहले वजू करके सोना और दो रक़ात पढ़ के सोना इसके बड़ा जर है कोशिश करना हर नमाज तकबीर उला से पढ़ना ख़ुतान अपने अफजल वक्त में फजर की तमाम नमाजें पढ़े सवाय के इशा की नमाज़ के की नमाज लेट पढ़े वो ज़दा है और लेट भी इतना नहीं कि आप साढ़े ग्यारह बजे से पहले पहले पढ़ लें मसवाक का इस्तेमाल करना हर नमाज से पहले सुबह और शाम के अस्कार करना जैसी इंसान की आंख खुलें सुर आलमरान की आयात तिलावत करना यह लगे सुनती इन्ना ख़लकत समावाती है वर्त व अख्तिलाफ वो अपनी ज़िंदगी में ना बरकतों को देखेगा अपनी ज़िंदगी में खुशियों को देखेगा फिर जो शख्स कर सकता है वो फजर की नमाज के बाद मस्जिद में बैठा रहे और इशराक के पंद्रह मिनट बाद तक जब सूरज तुलु होता है दो रखते हैं पढ़ लें या चार पढ़ लें उसको मुकम्मल 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 हज और उम्र का स्वाबा मिलता है आप रोज़ाना नहीं कर सकते आप हफ्ते में एक दफ़ा कर लें आप हफ्ते में दो दफ़ा कर लें बारह रखते हैं जो कि सुन रुना रवाबते ब वो पढ़ना जो फजर से पहले की दो सुनते हैं जोर से पहले चार जोर के बाद दो मगरब के बाद दो और शाह के बाद दो जो ये पढ़ता है अल्लाह ताला उसका जन्नत में महल महल तैयार करते हैं हंड्रेड टाइम्स ला इलाहा शरीक लहू लहुल मुल्क अल् अल्लाह वरिकमलकमद जुमीद कदीर पढ़ना इसके बड़े रिवॉर्ड्स हैं आदि इस पर आप गूगल कर लें आपको मिल जाएंगे इस्लाम क्यू ए डॉट इन्फो एक वेबसाइट है उस पर आपको इसी डिटेल्स मिल जाएंगी जो शख्स चार सुनतें जोहर से पहले पढ़ता है और चार जोहर के बाद पढ़ता है उसको अल्लाह ताला जहन्नम की आग से आज़ाद कर देते हैं जो शख्स असर से पहले चार सुनतें अदा करता है अल्लाह ताली की रहमत उस पर वाजिब हो जाती है जो शख्स इशा के बाद चार सन्नतें वैसे सुनतें यूजुअली टू टू करके होती हैं ठीक है, है? मथना मथना टू टू करके लेकिन जो इशा के बाद चार सुनतें इकट्ठी पड़ता है यानी दो के बाद सलाम फेरे बगैर चार के बाद सलाम फेरता है यानी चार इकट्ठी पड़ता है इट इज़ एज एफ हीज्रेड दीज फोर सुना इन कदर मुख्तल की को जमा किया जाए तो ये हदीस जो है ना इसकी अथेंटिसिटी में मिलती है बहुत सारी ज़यीफ़ रवायत भी हैं मगर वो हसन के दर्जे तक और मुहदसिन ने इसकी ये बयान किया कि ये जायज़ हो जाती है सो so, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते ना तो कम अज़ कम जो मैंने सारी आज बातें की हैं कम अज़ कम इनमें से शॉट लिस्ट कर लें तीन कि आज के बाद मैंने कुरान हर नमाज के बाद या उससे पहले दस पंद्रह मिनट पढ़ना है कोशिश करें पहले दुआ करें अजान से नमाज तक और नमाज के बाद कुरान की तिलावत करें दस मिनट हर नमाज से इमेजिन अगर आप दस मिनट दे दें हर नमाज पे तो फिफ्टी मिनट्स बन जाते हैं चलिए अगर आप फजर या मगरब या जो भी नमाज आपकी दो बिज़ी है तो थर्टी मिनट्स बनते हैं कम अज़ कम कुरान को टाइम दें कुरान को टाइम नंबर वन नंबर टू आप तहजद की नमाज़ अपने आप पर लाजिम कर लें नंबर थ्री जो मर्द हैं वो बामत नमाज को और ख़वातान अव्वल वक्त में नमाज़ को पढ़ने इरादा करें कम अज़ कम डेली थ्री रूल तो अपना सेट कर लें जो फ़ाइव कर सकता है वो फ़ाइव करे और जो मैंने बहुत सारी बताया जो ये सब कर सकता है वो सब करे लेकिन एटलीस्ट स्टार्ट विद सम और अल्लाह ताला से मदद की दुआ करें और ये दुआ करें अल्लासुका फैल खैरात यह मैं तो उससे नेकियों का सवाल करता हूँ खैर का सवाल करता हूँ और तरक मुनकर और मैं गुनाहों को छोड़ने का सवाल करता हूँ वह हब्बुलमसाखन अंत खी वरमन और मैसा से मोहब्बत का सवाल करता हूँ ताकि तू मुझ पर रहम करे और आ, मुझे माफ़ कर दें और एक और बड़ी कमाल की दुआ अल्लाह असल दीन अलवत अमरी वखिल दुनिया वखरत मादी ये अगले जो बात ना ये नोटिस करने वाली है वजल हयात ज्यादत फ़िक्ल खैर या अल्लाह मेरी ज़िंदगी को बढ़ा दे हर खैर में वजलमा तहतमिनकुल शर और मेरी मौत को राहत दे दे और मुझे मेरी मौत को बचा ले हर किस्म के शर से तो अल्लाह ताला से ना दुआ करें और अपने डेली रूटीन्स में अपने डेली स्कीड्यूल में इन चीज़ों को शामिल करें फिर आप देखें आपको जीने का मज़ा आएगा इन आपकी ज़िंदगी में बरकत होगी इन और हर किस्म की दुआ जब अगर हमारी अल्लाह ताला से हम मांगे तो हमारी कबूल होना शुरू हो जाए कितने ही मशाए कितनी हीमा कितने ही नेक और साल लोग ये बयान करते हैं कि हमने जब जब आज़ान के वक्त जो दुआ मांगी हमारी कबूल हुई हमने आसान और एकामत के बीच में जो जो दुआई की हमारे आज तक कबूलें एंड वी आर मिसिंग सच वंडरफुल गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ बिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटीज एंड वेस्टिंग दैम तो अल्लाह तो सबको को अमल की तो़ीक दे बारह केफ़ीकुम छोटी सी बात हुई है कि दिस इज़ यूथ क्लब का प्लानर अहमदुल्ल 2023 ट्वेंटी थ्री एंड दिस इज़ ब्यूटिफुल इस प्लानर में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कोट्स हैं एजेंडाज मंथली एजेंडाज कैलेंडर्स टू डू लिस्ट दुआ ट्रैकर्स आपके बजट ट्रैकर्स लिखे हुए हैं आपके सर्वाइवर के लिए क्या जरूरी है ऑप्शनल क्या है एक्स्ट्रा क्या है नीड क्या है एक्स्ट्रास क्या है एंड अल्लाह यू कैन सी ऑल ऑफ देम हैबिट ट्रैकर्स हैं ग्रैटिट्यूड शीट है कि दिस मंथ आई आई एम ग्रेटफुल फॉर और अपनी लिखें पीपल आई एम ग्रेटफुल फॉर जिनको मैंने शुक्रिया अदा करना है क्योंकि हदीस में आता है मल्लम यशुना यशु जो अल्लाह का, शुक, का शुक्र जो इंसान का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता आई एम कैपेबल बिकॉज अल्लाह ब्लेस्ड मी विद और दुआएं लिखी एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग दैट यूथ क्लब की जो पब्लिकेशन टीम है प्रोड्यूस ला अगेन आयात लाइन चक्कर तुम लाजी दन नुम जितना तुम मेरा शुक्र करोगे उतना तो ही मैं तुम्हें ज़्यादा अदा करूँगा सो ब्यूटीफुल कोर्ट्स एजेंडाज फॉर एवरी मंथ टू डू लिस्ट अगर आप उसको लेना चाहें इसके साथ ये मार्कर्स uh, भी हैं साथ ये यूथ क्लब का पेन uh, भी है सिग्नेचर पेन एंड देन इसके साथ साथ अमेजिंग स्टिकर्स भी हैं माशाल्लाह यू कैन सी देम यूथ क्लब के मर्चेंडाइज uh, का स्टिकर हैं और ज़बरदस्त किस्म के स्टिकर्स हैं यू कैन पेस्ट देम ऑन योर यू नो नोटबुक्स और योर प्लानर ब्यूटीफुल सो दिस इज़ ब्यूटिफुलटाफ यू कैन गेट इट फ्राम वाई सी शॉप ओके जस्ट इंस्टाग्राम पे लिख लें यूथ क्लब वाई सी शॉप ऑफिशियल इनशा यू विल फाइंड इट देयर, एंड आई वांट मोस्ट ऑफ यू टू गेट दिस ये पाकिस्तान में अवेलेबल है आई थिंक अब्रॉड भी है यू कैन चेक वैम इनशा जैस डी एम दैम इनशा मेरे ब्लस यू ऑल जी बाराफी सलाम वरिवर